ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। एडवर्स इफ़ेक्ट्स तभी आते हैं जब आप उसकी मैक्सिमम डोज लेते हैं, ज़्यादा डोज ले लेते हो, ठीक है। तो नोज़िया, नोज़िया क्या होता है कि ऐसे होता है कि जी मिचलाना होता है, उसे हम नोज़िया कह देते हैं। वॉमिटिंग, वॉमिट्स आना, उल्टी आना। डिक्रीज़ एपेटाइट, डिक्रीज़ एपेटाइट का मीनिंग होता है कि आपको भूख कम लगती है, ठीक है। कॉमा करके लिखा हुआ, ड्राई माउथ, मुंह बार बार सूखता है, ठीक है। एंड इंक्रीज थर्स्ट, बार बार प्यास लगती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स में आते हैं आपके कैल्शियम ग्लूकोनेट के, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रेपरेशन। आपने नोट्स में लिखा हुआ है मेथड ऑफ प्रेपरेशन, तो आप वहीं पर भी देख सकते हो। मेथड ऑफ प्रेपरेशन में सबसे पहले हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना रखी है, ठीक है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बाद एरो बना के लिखा हुआ है वाटर, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रेशन कर रहे हैं। हाइड्रेशन करने से ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में क्या चेंज आता है कि टॉप ऑफ द लेवल पे आप देखो CHO लिखा हुआ है। CHO इज़ द एल्डिहाइड ग्रुप। वो आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी कि CHO किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में कन्वर्ट हो गया है, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ग्लूकोज से आपका जो रिएक्टेंट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोनिक एसिड में। नीचे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर के नीचे ग्लूकोनिक एसिड। फिर से हम ग्लूकोनिक एसिड को किसके साथ ट्रीट करवा रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करवाने से हमारा क्या प्रोडक्ट आता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। फाइनली वहाँ पर क्या होता है, COO, ठीक है, दैट इज़ दी ट्रांजिट स्टेट। और इसके साथ कैल्शियम, साथ में लिखा हुआ है कैल्शियम आयन प्लस, और क्या रिलीज़ हो रहा है यहाँ से, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इन दी फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है। वो ऐसे जो हम रिएक्शन करते हैं लैब में तो क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कोई भी अमोनिया की गैस होती है, क्लोरीन की गैस होती है, हमेशा उसका एरो बना के रखते हैं कि वो ऊपर की तरफ फ्यूम्स बन के उड़ जाती है। इसलिए उसका एरो जो होता है वो अपर साइड की तरफ होता है, यानी कि वो गैस है, उसके फ्यूम्स बन के वो निकल जाती है। CO2 गैस है प्लस वाटर H2O, वो वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या बचा है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट की ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो एंड प्रोडक्ट है आपका। क्लियर है बेटा, बी फॉर्म फर्स्ट ईयर? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं असे। असे का प्रोसीजर क्या है, हमने स्टार्टिंग में इसमें कितना क्वांटिटी लिया है कैल्शियम ग्लूकोनेट की, 800 मिलीग्राम, ठीक है। हाँ, 800 स्टार्टिंग में हमने कितना लिया है इसकी क्वांटिटी, 800 मिलीग्राम, ठीक है, ग्राम नहीं है, मिलीग्राम है बच्चे, ध्यान रखना। और उसे हमने क्या किया है, 150 ml वाटर में, मीन्स 150 ml वाटर में उसे डिसॉल्व कर लिया अच्छे से, ग्लास रॉड की हेल्प से, बीकर में लिया हमने, ठीक है। पहले हमने वाटर लिया, फिर उसमें हमने क्या किया, कैल्शियम ग्लूकोनेट 800 mg डाल दिया, और उसे ग्लास रॉड की हेल्प से कॉन्स्टेंटली हम कॉन्टीन्यूसली उसे स्टरिंग करते रहे, ठीक है, ताकि वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। उसके बाद हमने क्या किया, उसमें 2 ml 3 normal HCl डाला, मीन्स उसकी नॉर्मेलिटी जो है, उसके नॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग हमें पहले उसे HCl को प्रिपेयर करना पड़ेगा। कितना होना चाहिए, 3 normal होना चाहिए। इसका जो प्रोसेसर है कि वो 3 normal कैसे करना है, इसका प्रोसेसर IP में होता है, आपके फार्माकोपिया में होता है, ठीक है। जब वो प्रेपरेशन तैयार हो जाएगी उसमें से हमें 2 ml लेना है, ठीक है, वो 2 ml हमने अपने इस सॉल्यूशन में डालना है, और फिर से उसे कॉन्टीन्यूसली हमने क्या करना है, स्टर करना है, उसको हिलाते रहना है। तो ये जो क्वांटिटी है, लास्ट लाइन में देखो लिखा हुआ है, ईच ml ऑफ 0.05 molar EDTA। EDTA क्या होता है, आपका एक केमिकल होता है। EDTA की फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। मतलब आपका जो EDTA डाइसोडियम होता है, कितनी क्वांटिटी में, 0.05 molar के अकॉर्डिंग आपने ये जो सोल्यूशन प्रिपेयर किया है वो इतनी क्वांटिटी EDTA डाइसोडियम के इक्वलेंट होता है, मीन्स इक्वल होता है, अगर आप कहीं और भी यूज़ करना चाहो तो, ठीक है। दैट इज़ द स्टैंडर्ड प्रोसेसर, ये स्टैंडर्ड यूनिट है, 0.05 molar ऑफ EDTA डाइसोडियम इज इक्वलेंट टू कितना, 21.52 milligram ऑफ द C12H12CaO14। मतलब ये फॉर्मूला किसका है, कैल्शियम ग्लूकोनेट का, मतलब 21.52 मीन्स 52
मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट किसके इक्वल है? 0.05 मोलर ऑफ EDTA. ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए. ये रेफरेंस जो है रेफरेंस बुकिश में ऐसे ही लिखा होता है ताकि हमें पता चले कि हम इसकी जगह पे इसे भी यूज़ कर सकते हैं. क्लियर है बी फॉर्म फर्स्ट ईयर? यस मैम. यस मैम. ओके, सिलेबस के अकॉर्डिंग अब बताओ नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है. देखो कौन सा बचा हुआ है सेकेंड यूनिट में बताना. सिलेबस है ना सभी के पास? नो मैम. जिनके पास है वो देख के बताओ. सिलेबस बेटा मैंने सेंड किया था, ठीक है, आपस में शेयर कर लेना. टेल मी नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है. फर्स्ट ईयर जब भी मेरा लेक्चर होता है जिनके पास सिलेबस है सिलेबस पास में रखा करो, ठीक है. सिलेबस हमेशा आपके पास होना चाहिए ना, हमें सिलेबस से कम पढ़ना है और ना ही हमें सिलेबस से ज़्यादा पढ़ना है. आपके पास आर्ट्स डेंटल प्रोडक्ट्स है ना, 8 semester हैं, 8 semester तक यही हमने सिलेबस फॉलो करना है सेमेस्टर वाइज जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है. सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टडी करनी है, ऐसा नहीं कि बुक ले ली और पूरी बुक पढ़नी है. सिलेबस में जितना है उतना ही कवर करना है. तो हम डेंटल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं. आगे हेडिंग डालो सभी, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना डेंटल प्रोडक्ट्स. डेंटल प्रोडक्ट्स, डेंटल प्रोडक्ट्स से पता ही चल गया होगा सबको कि जो टीथ के लिए यूज़ होते हैं प्रोडक्ट्स हम उनकी बात करने वाले हैं, है ना. टीथ में क्या प्रॉब्लम आती हैं? डेंटल केरीज हो जाती हैं, होते हैं ना कि ऐसे खोखले हो जाते हैं, एक गड्ढे हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डेंटल केरीज बोलते हैं. और वो हमेशा किस वजह से होते हैं? जो आपके फूड पार्टिकल्स आपके टीथ में रह जाते हैं, ठीक है, वो रात भी क्या होता है उनमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं और वहाँ पर रिएक्शन होने की वजह से वो डेंटल केरीज प्रोड्यूस कर देते हैं. तो मॉर्निंग के बजाय जो नाइट में आपका जो ब्रश होता है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन लिखो, इंट्रोडक्शन ऑफ डेंटल प्रोडक्ट्स. राइट डाउन डेंटल केरीज ब्रेक में लिख लो टूथ डिके, कि जो आपका दांत होता है उसका डिके होना, ठीक है, मीन्स उसका डैमेज होना. डेंटल केरीज ब्रेक में लिखो टूथ डिके इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शन. डिसीज इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसीज called dental plaque. तो इस डिसीज़ को हम डेंटल प्लाक भी कहते हैं. सेकेंड लाइन में लिखो नीचे dental plaque is a colorless mixture ब्रैकेट में लिखो स्टिकी STICKY स्टिकी ऑफ बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स like saliva and food stuff and
फूड स्टफ अटैच्ड टू इनेमल अटैच्ड टू इनेमल कवरिंग द डेंटाइन ऑन द क्राउन डन। यस मैम। तो यहाँ पे हम डेंटल प्लेक को कैसे पहचान सकते हैं? आपके मुंह के अंदर दांतों के ऊपर एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ होता है कि हमें तो लगेगा कि हमने जो खाना खाया है ना, ये वो मटेरियल है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि फूड प्रोडक्ट है, ये फूड का स्टफ है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारा स्लाइवा है, जो हमारे अंदर मुंह के अंदर चिपचिपा और लिक्विड होता है उसको हम स्लाइवा कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअली वो होता क्या है, ओवरनाइट होने के बाद वो बैक्टीरियल इन्फेक्शियस मटीरियल होता है, मीन्स वो बैक्टीरिया ग्रो कर चुका होता है हमारे मुंह के अंदर। क्योंकि आपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया के दो तरह के होते हैं, एक जिन्हें ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और एक ऐसे होते हैं एरोबिक एंड एनरोबिक। एनरोबिक जो हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ओवरनाइट ओवरनाइट वो हमारे मुंह के अंदर, उन्हें इतना टेम्परेचर मिल जाता है हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम में, क्योंकि हमारी रेस्पिरेशन सिस्टम क्या होती है, हमेशा ही गर्म हवा होती है, कभी ठंडी नहीं होती है। तो उन्हें इतना टेम्परेचर मिल जाता है ग्रो करने के लिए, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन भी मिल जाती है और साथ में वो मटेरियल भी मिल जाता है जिसमें कि वो आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो हमारी जो दांत होते हैं, ठीक है, टिथ के ऊपर वहाँ पे जो लेयर होती है दांत के जस्ट ऊपर, जो कैपिंग होती है, क्राउन होता है, उसके ऊपर ये सब प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमें लगेगा कि खाना फंसा हुआ है हमारे दांतों में, लेकिन वो सब क्या होता है, बैक्टीरियल मटेरियल होता है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि ये कवर करता है हमारे डेंटाइन को ऑन द क्राउन, हमारे दांतों पे चिपका रहता है और हमें लगता है कि दांतों के ऊपर लेयर है, ठीक है, जिसे हम इनेमल लेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस किसका नाम है, बैक्टीरिया का नाम है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस STREPTOCOCUS स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस लिख लो, म्यूटेंस इसका पूरा नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस MUTANS स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया ऑन टीथ रिजल्टिंग इन द इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ जिंजिवा GINGIVA जिंजिवा अकर्स डन। यस मैम। तो इस लाइन का मीनिंग है कि हम जिस बैक्टीरिया की नाम बात कर रहे थे उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारी इनेमल लेयर पे। मीन्स क्या करता है कि ये जो हमारे टीथ होते हैं, टीथ के आसपास जो मसूड़े होते हैं उनमें स्वेलिंग
इन्फ्लेमेशन क्या होती है, स्वेलिंग कोस कर देता है, उनमें दर्द होता है बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे जिंजीवा, आपने लिखा ना स्वेलिंग ऑफ जिंजीवा अकर्स, मीन्स जो हमारे मसूड़े फूल जाते हैं और उनमें पेन होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो इसी बैक्टीरिया की वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, द बैक्टीरिया सर्वाइव ऑन, सर्वाइव मीन्स वो कैसे लाइव कैसे रहता है, जिंदा कैसे रहता है, वहाँ पे कैसे ग्रो करता है। द बैक्टीरिया सर्वाइव ऑन कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूडिंग शुगर टेकन इन टी एंड प्रोड्यूस एसिड्स स्पेशली लैक्टिक एसिड। लैक्टिक की स्पेलिंग है LACTIC, लैक्टिक एसिड। डन? ठीक है बेटा, तो हमने इस लाइन में लिखा है कि जो बैक्टीरिया है वो हमारे मुंह के अंदर कैसे सरवाइव करता है, कैसे जिंदा रहता है, तो वो क्या करेगा, अपने खाने के लिए हमने जो खाने में कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है आपके फूड में होते हैं, ठीक है, आप जैसे रोटी खाते हो तो वो भी कार्बोहाइड्रेट है, फिर आप क्या करते हो शुगर लेते हो, मीठा खाते हो कुछ तो उसमें बहुत सारी शुगर होती है, जैसे आप चाय पीते हो उसमें भी शुगर होती है, तो उसको सर्वाइव करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर दो ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो हमारे मुंह के अंदर, ठीक है, हमारे टीथ के आसपास आसानी से ग्रो कर जाता है, और ऊपर से उसे ऑक्सीजन भी आराम से मिल रही है, और उसे वो उतना टेम्परेचर भी आसानी से मिल रहा है खुद को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करता है, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है उस बैक्टीरिया ने, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट बैक्टीरिया ने जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस किया है वो हमारे दांतों के अंदर क्या करता है, उनको खोखले कर देता है, जिससे कि उसमें डेंटल केरीज हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं हमारे दांतों के अंदर। ठीक है, फिर उनमें क्या होता है, फाइनली वहाँ से जो हमारा टीथ होता है वो टूटने लग जाता है धीरे धीरे, जैसे हम टूथ डिके कहते हैं, और जब वहाँ से वो टीथ टूट जाता है तो उसके अंदर फिर से खाना फंसने लग जाता है, जहाँ पर खाना फंसेगा वहाँ पर और आसानी से बैक्टीरिया ग्रो करेगा। ठीक है, जहाँ पे फिर से वो और ग्रो करेगा तो वो धीरे धीरे क्या होता है, फिर से उस पूरे टीथ को ही ख़त्म कर देता है, जिसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया। ठीक है, दैट इज़ दी डेंटल केरी, उसको हम डेंटल केरी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बी फ्रॉम फर्स्ट ईयर? यस मैम। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, अ रेगुलर डेंटल केयर एलिमिनेट्स डेंटल डिसीजेस एंड शुड बी maintaining oral hygiene की स्पेलिंग है HYGIENE hygiene, oral hygiene, done? Yes ma'am.
तो आपने इस लाइन में लिखा है कि अगर हम डेली अपने दांतों की केयर करते हैं, 2 टाइम ब्रश करते हैं और खाना खाने के बाद अच्छे से नमक वाले पानी से क्या करते हैं, गरारे करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी दांतों की केयर तो अच्छे से होती होती है और साथ ही साथ जो हमारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, ऐसे कहीं होते हैं ना लोग, उनके सांस लेने से उनके स्मेल आती है उनके पास खड़े होने से, तो वो जो ब्रीथिंग अडर होता है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। इसलिए लिखा ना ओरल हाइजीन, तो ओरल हाइजीन का क्या होगा कि आपकी जो सांसें हैं उसमें से क्या होगा, बैड अडर की स्मेल नहीं आएगी, बदबू नहीं आएगी, ठीक है, आपकी जो सांसें वो भी अच्छे से रहेंगी। डन। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ओके बेटा, नेक्स्ट लाइन में लिखो फ्लोराइड, फ्लोराइड एडेड, फ्लोराइड एडेड वाटर, फ्लोराइड एडेड वाटर सप्लाई, फ्लोराइड एडेड वाटर सप्लाई एंड एंड सीलिंग द कैविटीज, एंड सीलिंग द कैविटीज। एंड कैविटीज की स्पेलिंग है CAVITIES, कैविटीज। आई एम रिपीटेड अगेन, फ्लोराइड एडेड वाटर सप्लाई एंड सीलिंग द कैविटीज एंड फिशर्स विद एंड फिशर्स FISURES, फिशर्स विद इनर्ट, विद इनर्ट पॉलीमर, विद इनर्ट पॉलीमर टू प्रिवेंट फर्दर टूथ डिके इज यूज्ड। डन। यस मैम। तो बच्चे इस लाइन का मीनिंग है कि जब हमारे टीथ में डेंटल केरीज हो जाती हैं, उसमें गड्ढे हो जाते हैं, तो उनको फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लोराइड वाले सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, जो कि क्या करते हैं, उनको यूज़ किया जाता है हमारे टीथ में जो कैविटी हो चुकी है ना उसको फिल करने के लिए। आपने सुना होगा RCT होती है पहले, ठीक है, RCT को क्या बोलते हैं, रूट कैनल थेरेपी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमारे टीथ के नीचे नर्व्स होती हैं, ठीक है, उनका लिंक, उनको काट ही दिया जाता है, उनका लिंक जो है टीथ के साथ वो हटा दिया जाता है, जिससे कि हमें सेंसेशन प्रॉब्लम होती है। अगर वो नर्व ही नहीं जॉइंट रहेगी हमारे टीथ के साथ, तो उससे क्या होगा, हमें जो सेंसेशन प्रॉब्लम होती है कि ठंडा पानी लग रहा है, गर्म पानी लग रहा है, वो चीज़ नहीं होती है। और फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, RCT करने के बाद फिलिंग कर दी जाती है। वो फिलिंग किससे करते हैं, फ्लोराइड वाले, जिसमें फ्लोराइड वाले क्या होते हैं, फ्लोराइड एटम प्रेजेंट होता है, जैसे कि स्टेनस फ्लोराइड होता है, ठीक है, और भी डेरिवेटिव्स होते हैं, उनकी फिलिंग कर दी जाती है, उसका एक पेस्ट मटेरियल बनाया जाता है और उस कैविटी के अंदर फिल कर दिया जाता है, जिससे कि वो परमानेंट हमारे टीथ में रहती है और उससे क्या होता है, उसमें और खाना जो है, फूड एडिटिव्स जो है वो नहीं भरते हैं। अगर वो नहीं भरेंगे तो फिर बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो ही नहीं कर सकता और वो हमारा जो टीथ है उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है, ठीक है, पूरा का पूरा टीथ नहीं निकालना पड़ता। क्लियर है, बी फॉर्म फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट लाइन में लिखो टॉपिकली फ्लोराइड सॉल्यूशन टॉपिकली फ्लोराइड सॉल्यूशन कॉमा माउथ वॉशेस एंड
Gels are, I am repeated again, topically fluoride solution, mouthwashes and gels are less effective than systemic fluorides. Then systemic fluorides. Done? Yes, ma'am. तो यहाँ पे बच्चे आपने लिखा है कि टॉपिकल फ्लोराइड सॉल्यूशन. टॉपिकल का मतलब है कि हम टीथ्स के ऊपर या अपने जो मसूड़े होते हैं उनके ऊपर जो सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं या फिर माउथ वॉशेस, ठीक है, गरारे करने के लिए कुछ यूज़ करते हैं. जैसे मार्केट में आता है ना, कौन सा आता है गार्गल मार्केट में, होता है ना गले के इन्फेक्शन के लिए आता है, से पोविडोन आयोडीन का सॉल्यूशन आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, माउथ वॉशेस. कि वो और एक और आता है गार्गल्स करने के लिए, जो गार्गल्स होते हैं डिफरेंट नेम से आते हैं गार्गल्स. एक तो मुझे वही पता है, मेरे ख्याल से पोविडोन आयोडीन है जिसे हम बीटाडीन सॉल्यूशन बोलते हैं, और एक लिस्ट्रीन के नाम से आता है, ठीक है, ब्लूइश और ग्रीनिश कलर का होता है लिस्ट्रीन, वो भी क्या होते हैं, माउथ वॉशेस होते हैं. और कुछ, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं अहमद, कौन सा, हाँ बीटाडीन गार्गल, वही बोल रही हूँ. बीटाडीन में पोविडोन आयोडीन होता है, और एक लिस्ट्रीन के नाम से भी गार्गल आता है, ठीक है. और कुछ जेल्स आती हैं, जेल फॉर्म में आता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, टॉपिकली अप्लाई कर देते हैं, फिंगर से अप्लाई कर लो या किसी ब्रश वगैरह के हेल्प से अप्लाई कर लो, वो ज़्यादा बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम कुछ ओरली ले रहे हैं, वो हमारे स्टमक में जा रहा है, ठीक है. उससे बेटर होते हैं कि हम जो गार्गल्स लेते हैं या जेल सप्लाई करते हैं अपने मुंह के अंदर, कई बार होता है ना जैसे छाले हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जेल आती है, माउथ जेल आती है अल्सर्स के लिए कि छाले हो गए हैं मुंह में, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम कुछ खाने की दवाई ले रहे हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर होते हैं. इसलिए इन्होंने लिखा है कि जो टॉपिकल फ्लोराइड सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि कुछ सॉल्यूशन होते हैं, कुछ माउथ वॉशेस होते हैं, कुछ जेल्स होती हैं, वो ज़्यादा बेटर होती हैं एज़ कम्पेयर टू सिस्टमिक फ्लोराइड्स. सिस्टमिक फ्लोराइड्स का कि मीन्स हम जो दवाई ले रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, वो हमारे स्टमक में चली जाती है, तो स्टमक में जाके वो क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है, उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिल पाता हमें जितना कि वो जो मेडिसिन है हमारे मुंह के अंदर ही रहेगी तो उसका ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा. इसलिए उन्होंने कहा है कि ये ज़्यादा बेटर होते हैं. क्लियर है, बी फॉर्म फर्स्ट ईयर, ठीक है. नेक्स्ट, ओके बेटा, नेक्स्ट लाइन में लिखो मॉडिफिकेशन ऑफ फूड हैबिट्स. हमें अपनी खाने पीने की आदतों में चेंजेस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हम बहुत स्पाइसी फूड खा लेते हैं, होता है ना, जंक फूड खाते हैं. तो मॉडिफिकेशन ऑफ फूड हैबिट्स कोमा रिप्लेसमेंट स्नैक्स खाते हैं, जैसे चिप्स वगैरह खा ली, कुकीज़ खा ली, ये चीज़ें ज़्यादा हार्मफुल होती हैं. स्नैक्स रिप्लेसमेंट स्नैक्स विद फ्रूट्स मीन्स स्नैक्स की जगह हमें फ्रूट्स ही खाने चाहिए. रिप्लेसमेंट स्नैक्स विद फ्रूट्स कॉमा वेजिटेबल्स सब्जियां खानी चाहिए कॉमा चीज़ खाना चाहिए और नट्स खा लो, बादाम अखरोट खाओ, काजू खा लो. इज़ कंसिडर्ड बेटर
इज कंसिडर्ड बेटर. डन. तो यहाँ तक क्लियर है सभी को डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो डेंटिफ्राइसिस. डेंटिफ्राइसिस स्पेलिंग है DENDENTIFRICES. डेंटिफ्राइसिस हेडिंग डाली सभी ने? ओके, नेक्स्ट लिखो इंक्लूडिंग टूथ पाउडर एंड टूथ पेस्ट आर एजेंट्स used along with a toothbrush to clean and polish natural teeth. Full stop. They are supplied in paste, powder, gel or liquid form. Paste, powder, gel or liquid form. Done? Yes, ma'am. तो बच्चे आपने किसके बारे में लिखा है? डेंटिफ्राइसिस क्या होते हैं? जैसे कि आपका टूथ पाउडर होता है, ऐसे डाबर लाल दंत मंजन आता है, रेड कलर का होता है ना, पहले कोलगेट आता था वो वाइट कलर का पाउडर होता था, और आजकल क्या आती है, पेस्ट आती है, चाहे वो कोलगेट हो, पेप्सोडेंट हो, क्लोजअप हो, ठीक है. और पाउडर फॉर्म में तो वही आते थे, जेल फॉर्म में भी आती हैं आजकल, जैसे क्लोजअप वाली जेल होती है उसमें डिफरेंट क्रिस्टल्स डले होते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम किस लिए यूज़ करते हैं? अपने टीथ्स को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. तो इन्हें हम किस लिए बोलते हैं डेंटिफ्राइसिस? कि ये हमारे टीथ्स को क्लीन तो करते ही हैं, साथ में उन्हें क्या कर देते हैं, पॉलिश करके चमका भी देते हैं, ठीक है. शाइनी हो जाते हैं ना टीथ, नहीं तो येलो कलर के ही रहते हैं. अगर हम ये चीज़ें अप्लाई करते हैं तो इससे हमारे जो टीथ हैं उनका कलर भी चेंज हो जाता है, वो येलोइश से वाइट हो जाते हैं. इसलिए लिखा है कि एंड पॉलिश नेचुरल टीथ, जो हमारे नेचुरल टीथ हैं उनको पॉलिश करने के काम भी आते हैं. इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट, ओके बेटा, नेक्स्ट लिखो सोडियम फ्लोराइड. हेडिंग डालो नीचे सोडियम फ्लोराइड. अब हम बात करते हैं, मैंने आपको पीछे लिखवाया था ना फ्लोराइड्स यूज़ होते हैं, तो फ्लोराइड्स के फॉर्म में ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है. जैसे कि सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे इंग्रेडिएंट हैं आपके टूथपेस्ट के, जो कि आपके टूथ पाउडर में आते हैं, टूथपेस्ट में आते हैं, उनके ये केमिकल इन्ग्रीडियंट्स हैं. आदित्य ऑफ योर माइक्रोफोन. सोडियम फ्लोराइड सभी ने लिख लिया. अब उसके सामने लिखो NaF. N कैपिटल लेटर में लिखो, A स्मॉल एंड F भी कैपिटल लेटर में लिखना है. NaF, ठीक है, ये इसका सिंबल है सोडियम फ्लोराइड. मॉलिकुलर वेट लिखो इसके साथ ब्रैकेट में. मॉलिकुलर वेट
42, मॉलिकुलर वेट 42, नीचे इसकी रिएक्शन लिखनी है कि हम इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो रिएक्शन में लिखो Na2CO3, मैं कैमरा स्विच कर देती हूँ, आप रिएक्शन देख लो, गलत मत लिखना कुछ। यहाँ दिखाई दे रहा है सभी को Na2CO3, क्लियर है सभी को? लिखो बेटा Na2CO3, लिख लो बेटा, प्लस 2 हाइड्रोजन फ्लोराइड, प्लस 2 हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, ये लिखा हुआ है 2HF। फिर इसके सामने एरो का निशान है, इसके सामने लिखना है 2Na2NaF, यानी कि सोडियम फ्लोराइड, प्लस H2O वाटर, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा हमने सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट लिया, उसको किसके साथ ट्रीट करवाया, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ। 2 मोल्स ऑफ मींस डबल क्वांटिटी ले रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है। हमने इन दोनों को आपस में ऐड किया और हमें यहाँ पे डबल क्वांटिटी में 2 मोल्स ऑफ सोडियम फ्लोराइड मिल गया, यानी कि बन गया हमारा सोडियम फ्लोराइड, और साथ में वाटर अलग से निकल गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व हो गई। आप यहाँ पे एरो का निशान भी लगा सकते हो, ठीक है, मीन्स ये गैस है। क्लियर है बेटा? यस मैम। लिख, सभी ने लिख लिया? नेक्स्ट लिखो। ओके बेटा, नेक्स्ट यूजेस लिखो इसके। इट रेंडर्स, यूजेस में फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट रेंडर्स द इनेमल ऑफ टीथ, इट रेंडर्स द इनेमल ऑफ टीथ मोर रेसिस्टेंट टू एसिड। मीनिंग ये है कि हमारी जो टीथ है उसकी जो इनेमल लेयर है, टीथ के ऊपर वाली जो लेयर होता है, मींस टीथ का जो सरफेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है, किससे प्रोटेक्ट करके रखता है, एसिड से, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखो, इट प्रमोट re mineralization, it promote remineralization or reduce microbial acid production. मीन्स हमारे मुंह के अंदर, माउथ के अंदर एसिड को भी नहीं बनने देता ये, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। मीन्स और कहाँ यूज़ होता है ये, इंसेक्टिसाइड मीन्स कीटनाशक, जो कीटनाशक आते। थर्ड पॉइंट बोल रही हूँ बेटा, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज
इट इज ऑल्सो यूज एज इंसेक्टिसाइड फॉर कॉकरोचेस एंड आंट्स चीटियां एंड आंट्स मीन्स ये जो है आपका सोडियम फ्लोराइड है या आपके जो होते हैं ना कलाहीट वगैरह आते हैं ना इंसेक्टिसाइडल्स उनमें भी यूज़ होता है ये उनका भी एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इंग्रेडिएंट है उस प्रेपरेशन को बनाने के लिए भी वहाँ पे भी ये यूज़ किया जाता है किसके लिए इंसेक्टिसाइडल है फॉर कॉकरोचेस एंड आंट्स चीटियाँ नहीं आती घर में और कॉकरोचेस नहीं आते ठीक है इसके एडवर्स इफेक्ट लिखो नीचे लाइन में लिखो एडवर्स इफेक्ट्स नोजिया कॉमा वॉमिटिंग नोजिया कॉमा वॉमिटिंग कॉमा एब्डोमिनल डिस्ट्रेस मीन्स पेट खराब हो जाना एब्डोमिनल डिस्ट्रेस कॉमा डायरिया कॉमा वीकनेस क्लियर है यस मैम ओके बेटा जो सोडियम फ्लोराइड है वो आपके जो है टूथपेस्ट या फिर जो टूथ पाउडर जो होता है उनका केमिकल इंग्रेडिएंट है कई बार ये एडवर्स इफेक्ट आ जाते हैं तो जो मतलब अडल्ट्स होते हैं मीन्स जो ओल्ड एज होते हैं उन वो क्या करते हैं प्रेफर नहीं कर पाते या फिर जो बच्चे होते हैं वो भी ज़्यादा केमिकल वाला टूथपेस्ट जो होता है वो नहीं यूज़ कर पाते हैं उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है ये नोज़िया वॉमिटिंग वगैरह तो फिर उस कंडीशन में क्या करते हैं जो हर्बल पेस्ट आती हैं वो प्रेफर करनी चाहिए पता है सभी को पेस्ट के बॉटम लेवल पे जो ग्रीन कलर का मार्क होता है उससे पता चल जाता है कि ये पेस्ट जो है वो हर्बल है अगर ब्लैक कलर का मार्क होगा तो वो केमिकल्स है अगर वहाँ पे ब्लू कलर का मार्क होता है वहाँ पे निशान पड़ा होता है तो इट मींस वो सेमी है उसमें केमिकल्स भी हैं और हर्बल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हैं रेड वाला होता है ना रेड वाला होता है वो फुल्ली क्या होता है केमिकल से बना होता है ठीक है वो बहुत हार्मफुल होता है तो मींस मैन्युफैक्चर तो करती हैं कंपनियां लेकिन वो अपनी तरफ से क्या है कि कोई क्लेम ना कर दें तो वो पहले ही बता कर रहे थे कि देखो हमने मार्क बनाया था अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी बॉडी है आप उसे जैसे मर्जी ट्रीट करो आप हर्बल चीज़ें यूज़ करो या केमिकल्स यूज़ करो एम आई राइट हाँ बेटा अच्छा होता है हाँ बेटा हर्बल वाला अच्छा होता है ओके ओके बेटा तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है